हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो 12:30 बज गए हैं, दोपहर के टाइम दिखा रहे हो उधर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये मैंने आटा बना लिया है और इस आटे में है अजवाइन और सॉल्ट। तो इसका हम बनाने वाले हैं पूरी आज लंच में। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद उड़द की दाल थी जिसको मैंने ग्राइंड किया। और उसके बाद इसमें ओनियन, ग्रीन चिल्लीज, कोरिएंडर, अदरक, जिंजर गार्लिक, सॉल्ट, टर्मरिक, मेथी सीड्स और अजवाइन सीड्स, ये सारा कुछ ऐड करके मैंने मिक्स करके हाफ एन आवर के लिए रख दिया था। तो और यहाँ पर आप देखेंगे तो जब मैंने दाल पीसा था तब मैंने ये ग्रीन चटनी ऑलरेडी पीस के रख लिया है और इस बर्तन में स्टोर कर दिया है। तो ऑयल गरम करने रख दिया है। ये हमारा पुराना वाला ऑयल है जिसमें हमने एक ही टाइम ओनियन पकौड़ा फ्राई किया था, तो इसीलिए अब हम ये वाला ही ऑयल यूज़ करेंगे आज के पकौड़े के लिए। ये जो है, ये आज मैंने फिर से अपने हस्बैंड के लिए काढ़ा बनाया है विथ स्पाइसेस। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तबीयत यानी बस उनको थोड़ा सा नोज़ में ब्लॉक हो गया है, तो इसीलिए हम काढ़ा बना के पी रहे हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल पकोड़े फ्राई करेंगे और उसके बाद हम पूरियां बनाएंगे। तो ऑयल रेडी हो रहा है, तब तक हम 2-4 पूरियां भी बेल लेते हैं। तो छोटे छोटे रोल्स करके रखती हूँ ऐसे पहले, और बाद में इजी हो जाता है इसको बस बेलने के लिए। तो इस तरीके से पहले 10-12 रोल्स रेडी रखते हैं, तब तक हमारा ऑयल गर्म होगा। एंड दाल चावल खा के हम लोग बहुत बोर हो चुके हैं, इसीलिए अब दाल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और नॉनवेज भी, अभी गर्मी चालू हो गई है तो नॉनवेज भी थोड़ा कम कर दिया है हमने। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर मैंने 15 रोल्स रेडी रख दिया है और अब इसको फटाफट बेलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। तो फोकस, तो आज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो इसीलिए सोचा कि ये अच्छा अल्टरनेटिव होगा। एंड गर्मी में वैसे भी ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता है, तो फिर इसीलिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से हम लोग पूरियाँ मिलते हैं। और अजवाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए हमने अजवाइन भी ऐड किया है इसमें। तो फ्रेंड्स, सारी पूरियों को हम इसी तरीके से बेलेंगे और फिर मैं आपको फ्राई करते समय दिखाऊंगी। तो आज का लंच यही है, पूरी, पकोड़े और मिंट चटनी, साथ में चाय या कॉफ़ी या मिल्क शेक रहेगा, पता। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और ये देखिए मैंने 10-15 पूरी ऑलरेडी बेल के लेके आ गई हूँ और अभी इसको मैं फ्राई करूँगी। तो ये देखिए ऑयल में ये इस तरीके से आप छोड़ दीजिए एंड देन जर्नी के हेल्प से आप इसको ऐसे प्रेस कीजिए और फिर टर्न कीजिए। तो देखिए हमारी पूरियाँ कितनी अच्छी बन रही है और इसमें अजवाइन भी है, सॉल्ट भी है, तो सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है आज, बट हमारे पास चटनी है पुदीने की। तो सबसे पहले भरत और आदित्य का क्लास चल रहा है और भरत का तो क्लास चल रहा है, अभी ब्रेक है, तो पहले हस्बैंड को बना के दे देती हूँ इधर। तो ये देखिए, ये देखिए इसको ऐसे इस तरह कैसे लेना है और
आटा ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा था काफ़ी बहुत ज़्यादा सा ऑयल दिख रहा था आपको ऊपर ऊपर, तो अभी ये बबल्स जब सारे चले जाएंगे इसका मतलब है कि हमारे पकोड़े रेडी है। तो ये देखिए दाल पकोड़े भी रेडी है। अभी तो एक प्लेट लेके आप पापा के लिए रेडी करो, तो छोटा वाइट वाला भी चलेगा। तो इसको इस तरीके से पकाएंगे हम। तो इसमें थोड़ा सा चटनी दे देते हैं, ग्रीन चटनी, और कुछ पूरियां रखते हैं। और ये आदित्य आप भी लेके जाओ अपना खाना। पकोड़े ऐड कर दिए और ये है हमारा हमारे स्वामी का खाना भोजन, हमारे स्वामी का प्राणनाथ। तो ये देखिए ये प्लेट रेडी है जो मैं अभी हस्बैंड को दे रही हूँ। चलो किंटो सिस्टर हस्बैंड जी लाइट लगाओ। ठंडी में तो यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री ठंडा हो जाता है तब वो अच्छा खाऊंगा। अच्छा, और अभी ग्रीन चटनी चलो, बाहर 49 डिग्री है। अच्छा, इतनी गर्मी है और ऐसी गर्मी में पूरी और पकौड़े अच्छे हैं? गर्मी में पूरी पकौड़े अच्छे नहीं है बट लेकिन अभी दाल चावल नहीं खाना है हम लोगों को, इसीलिए टेस्ट करके रिएक्शन दे दीजिए। मेरा वहाँ पकौड़ा चावल है। एवरी रिएक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। वाह रियली अच्छा है ना पकोड़ा खा के। देखिए दाल पकोड़ा गर्मी में, मेरे को एक्चुअली किचन में दाल चावल ये सब बनाने के लिए मेरा बहुत कंटाल आ गया सर, गर्मी बहुत ज्यादा है। रियली अच्छा है। और आपका काम कैसे चल रहा है? काम तो भगवान का आशीर्वाद है। फैंस को हेलो तो बोलिए, खाना खाओ ना सर। फ्रेंड्स को बुलाइए खाना खाने के लिए, आ जाओ फ्रेंड्स, आओ फ्रेंड्स खाना खाओ, फ्रेंड्स पूरी खा लो, फ्रेंड्स पूरे खा लो। तो आप देख सकते हैं भरत भी स्टार्ट कर रहे हैं खाना खाने। कैसे है? अभी भी आप व्हाट्सएप करके ठीक है, रात में आप किसी टाइम भी मुझे मैसेज। देखिए मेरा क्या क्लास चल रही है और आगे क्या खाने, कैसे है बच्चे? आपको पता है भरत कहाँ गया है अभी? बस ये आज लास्ट डे आपका मोबाइल, कल से मेरा खुद का मोबाइल आने वाला है। नीचे गया है मोबाइल लेने के लिए, sook.com से मोबाइल ऑर्डर किया हेमा ने। अरे मेरा तो इनकम भी नहीं आ रहा है, सैलरी भी नहीं है। यूट्यूबर लोग हैं तुम लोग और पैसे के लिए रोता है? यूट्यूबर को व्यूज चाहिए ना, मेरा तो सैलरी आया नहीं है। तो कॉल आ गया, चलो बाय बाय। तो ये देखिए कौन आया है यहाँ से, क्या लाए?
पहले हैंड वॉश तो कर ले, पापा के हाथ में बॉक्स दे दे। मैं इधर हूँ। और आप हैंड वॉश कर, इसको हैंड वॉश कराने दीजिए सानू, नजदीक मत जाइए। हैंड वॉश कर ले। बॉक्स को धोना पड़ेगा। नहीं नहीं रखिए इधर, कुछ नहीं होता है। चलिए खोलिए 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 आप ना, मैं कैसे देखूंगी। तो फ्रेंड्स खुला है क्या? तो फ्रेंड्स नहीं नहीं एक मिनट, ये आ गया है हमारा। देखिए ना, आप काट के अच्छे से खोलिए ना सर। इधर है ये, है ये डिसेंसी क्या है? बैठिए ना, बैठ के आ, चलिए आपके रूम में खोलते हैं। तो जगत जी लेके जा रहे हैं। तो बैठ के कल खड़े रहे कि नहीं? तो फ्रेंड्स ये नाम तो दिखाइए हमारा, ये जगत जोशी। ओके, पैकेट वन अमेज़न है, अमेज़न प्राइम, अमेज़न है। चलिए चलिए खोलिए, अभी मैं ऐसा ज़ूम करती हूँ।